हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं डिपिंसर का म्यूजिक पूल वायरलेस ईयरफोन अडाप्टर। वायरलेस ईयरफोन अडाप्टर कह लीजिए या फिर वायरलेस स्पीकर अडाप्टर कह लीजिए, क्योंकि एक ऐसा डिवाइस है जो आपके नॉर्मल जो ऑर्डिनरी स्पीकर होता है उनको एक वायरलेस स्पीकर में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे हाथ में बॉक्स है, प्रोडक्ट का पिक्चर बना हुआ है, इसके अलावा कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। बॉक्स के पीछे कुछ इसका डिवाइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसकी एमआरपी यहाँ पे दी गई है वो 1999 रुपए है, लेकिन जो इसका ऑनलाइन प्राइस है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे वो आपका 1499 रुपए है, जो कि काफी अच्छा प्राइस है एक वायरलेस अडाप्टर के लिए। इसके अलावा आपको इस पे 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके कंटेंट्स को, उसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसा है। तो जिसका पैकेजिंग दिया काफी अच्छा दिया गया है और यहाँ मैग्नेटिक दिया गया है। आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये मिलता है हमारा यूजर मैनुअल, इसको कैसे यूज करना, डिवाइस को सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, इवन इसके कंट्रोल्स कैसे दिए गए हैं। तो बॉक्स में हमें और मिलता है हमारा जो मेन डिवाइस है वो। इसके बाद इसमें छोटा सा बॉक्स और दिया गया है, इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि इसके अंदर एक माइक्रो यूएसबी केबल और एक ऑक्स केबल भी दिया गया है। तो इन सभी को साइड में रखते हैं और बॉक्स को हटाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो माइक्रो यूएसबी केबल है वो। इसकी क्वालिटी की बात अगर करें तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का केबल दिया गया है, एक फ्लैट केबल है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा इसमें एक ऑक्स केबल भी दिया गया है। तो अगर इसके केबल की बात करें तो एक नायलॉन केबल है। इसके अलावा इसमें 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड ऑडियो जैक दिया गया है। एक साइड का इसका थोड़ा सा एंगल पे है जिससे कि आप इसको आसानी से कार में फिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये केबल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। तो इस केबल की लेंथ की बात करें तो करीबन 1 मीटर का ये केबल दिया गया है। तो देखते हैं मेन डिवाइस, यहाँ पे ऊपर आपका इंडिकेटर लाइट दिया गया है, इसके अलावा यहाँ ब्रांडिंग दी गई है, इसके बैक साइड में क्लिप दिया गया है जिससे कि आप इसको आसानी से कार में कहीं भी होल्ड कर सकते हैं। इस साइड में आपका यहाँ 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है जिससे कि आपका ऑडियो आउट होगा। उसके अलावा माइक्रोफोन भी दिया गया है इसमें और माइक्रो यूएसबी केबल दिया गया है जिससे कि आप इस डिवाइस को चार्ज करेंगे। इस साइड में आपका यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, इसके अलावा ये कंट्रोल बटन भी है और वॉल्यूम कंट्रोल बटन भी यहाँ दिया गया है। इसका जो कलर है वो मेटेलिक ब्लैक है और ये एक सिंगल कलर में ही आता है। तो अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी सॉलिड बिल्ड दिख रहा है मुझे, काफी फिनिशिंग के साथ बनाया गया है और काफी स्टाइलिश भी बनाया गया। अगर आप इसको क्लिप करते हैं तो काफी खूबसूरत दिखता है। पूरी तरीके से ये प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का इसमें प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है म्यूजिक पूल। इसके अलावा कुछ और सर्टिफिकेशंस वगैरह यहाँ दिए गए हैं। इसमें ब्लूटूथ 5 दिया गया है, 35 फीट आपका खुले स्पेस में कवर करेगा, लेकिन अगर आप कमरे के अंदर है तो कमरे के अंदर कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है। दीवार मोटी दीवार को थोड़ा सा क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है, ओवरऑल कमरे के अंदर बहुत ही अच्छा चलता है। कार के अंदर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चलेगा क्योंकि कार में इतना ज्यादा डिस्टेंस तो इसको कवर नहीं करना होगा। इसके अलावा मैं यूज करता हूँ जो अभी एग्जिस्टिंग जो डिवाइस है ब्लूटूथ के लिए, तो वो ये लॉजिटेक का है। इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस की अगर बात करूं तो मुझे इसका डिस्टेंस बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा कवरेज है इसका। इसका डिस्टेंस बहुत ही खराब है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया इसका डिस्टेंस, लेकिन इसका डिस्टेंस जो है काफी ज्यादा बेहतर दिया गया है। अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें 150 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करने में तकरीबन 2 घंटे का समय लेता है, और अगर आप इसको यूज करते हैं तकरीबन 9 से 10 घंटे चलती है, लेकिन अगर आप हायर वॉल्यूम पे ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो ये टाइम कम भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें 300 से 320 घंटे का स्टैंड बाई टाइम दिया गया है, अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो आपका काफी अच्छा स्टैंड बाई दिया गया है। तो इसको चार्ज करने के लिए कोई भी पावर ब्रिक नहीं दिया गया है, तो आपको अपना मोबाइल चार्जर ही यूज करना पड़ेगा इसको चार्ज करने के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे क्या इसको चार्जिंग के साथ यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो जवाब है इसका हाँ, इसको चार्जिंग के साथ आप यूज कर सकते हैं। मैंने टेस्ट किया हुआ, यह बहुत अच्छे से चलता है बिना किसी दिक्कत के। तो इसका जो वेट है वो तकरीबन 82 grams का है। पावर ऑन करने के लिए आप इसको यहाँ प्रेस करके रखेंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगा, थोड़ी देर और प्रेस करके रखेंगे तो पेयरिंग मोड में चला जाएगा। आप जैसे नॉर्मली बाकी डिवाइसेस पेयर करते हैं उसी तरीके से इसको पेयर कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन दिया गया यहाँ से। इसके अलावा आपका पावर बटन जो है वो मल्टी कंट्रोल बटन जैसा भी काम करता है, आप प्ले पॉज इससे कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉल्यूम बटन से नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर दिया गया है इसमें, जो मल्टी कंट्रोल सिस्टम दिया गया है इसका। हैंड्स फ्री कॉलिंग है, आप इसे अपने फोन के जरिए कॉल कर सकते हैं। इसमें SD माइक्रोफोन दिया गया है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का ऑडियो डिलीवर करता है। ऑडियो आउट भी इसका अच्छा है। इसमें नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है, तो अगर आप बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है तो मे बी आपका जो ऑडियो है वो थोड़ा सा वो भी चॉपी हो सकता है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ये काफी हद तक बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल करता है। काफी अच्छी क्वालिटी, काफी क्लियर क्वालिटी का ऑडियो डिलीवर करता है। इसके अलावा इसमें गूगल असिस्टेंट और सीरी सपोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा ये IPX5 वाटर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये स्प्लैश प्रूफ और स्वेट प्रूफ है। ये फीचर इसके बॉक्स पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे ये फीचर
मेंशन किया गया है। ये डिवाइस आपके किसी भी टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप के साथ कंपेटेबल है। आप किसी भी डिवाइस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 3.5 ऑडियो जैक से आप अपने ओल्ड स्पीकर को कनेक्ट कर देंगे और आसानी से आप अपना म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं, चाहे आप मोबाइल से स्ट्रीम कर रहे हो या फिर अपने लैपटॉप से स्ट्रीम कर रहे हो। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि काफी एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, मुझे काफी पसंद आया ये डिवाइस। मैंने यूज किया और मैं पिछले 2 दिनों से लगभग इसको यूज कर रहा हूँ, मुझे अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। कनेक्टिविटी मैं अभी भी कहूंगा कनेक्टिविटी मेरे लॉजिटेक से ज्यादा बेटर है, ज्यादा रेंज कवर करता है ये। इसके अलावा इसकी ऑडियो क्वालिटी जो डिलीवर करता है, आउट करता है, वो काफी अच्छी क्वालिटी का ऑडियो डिलीवर करता है और ओवरऑल काफी स्टाइलिश और स्लिम दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।